आप सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उससे प्रार्थना करें, अपनी परेशानियों को उस परमेश्वर के सामने रखें। तो हम धन्यवादी हैं, परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाला। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 18 उसके 6 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आमेन। सच में हम अपने संकट के समय जब परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे दुहाई देते हैं, प्रभु हमारी सुन, वो सुनता है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यदि हम अपने संकट के समय, अपनी मुसीबतों के समय परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवादी है प्रभु कि आज दिन भर आपने संभाला प्रभु, और पिता इस शाम के समय परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति में लेकर आए प्रभु, और ये समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि प्रभु न जाने कितने लोगों ने प्रभु इस समय को नहीं देखा प्रभु, और पिता परमेश्वर आज प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु ये समय हम देख पाए परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम हृदय से, हृदय की गहराइयों से मेरे यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप प्रभु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। आप परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, सर्वदर्शी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है पिता, चंगा करने वाले परमेश्वर, यहोवा यीरे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, उन लोगों के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग मेरे पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु पिता, उन सबको तेरे नजदीकी में, तेरी हुजूरी में लाती हूँ परमेश्वर पिता, और पिता उन सब पर आप अपना अनुग्रह करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी हमें प्रभु तेरे अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर न जाने वो किन परेशानियों में रहते हैं प्रभु, उन सारे प्रार्थना निवेदनों को लेकर प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु आज दिन भर परेशानियों में रहे हैं प्रभु, कलेशों में रहे हैं पिता परमेश्वर, बीमारियों में रहे हैं मेरे प्रभु जी, आपसे दुआ है कि प्रभु आप संकट के समय प्रभु जी हमारी दुहाइयां प्रभु आपके कानों तक पड़ती हैं प्रभु, और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप उसका उत्तर देते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेषकर प्रभु हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु आज प्रभु, जो किसी प्रकार की बीमारी में है परमेश्वर प्रभु, कैसी भी बीमारी उनके जीवनों में है पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को उनके जीवन से डांट कर आज्ञा देते हैं कि उन्हें छोड़कर चले जाओ अभी और इसी वक्त प्रभु। जो दुष्ट उनके जीवन में बीमारियों को लाता है, परेशानी को लाता है पिता परमेश्वर, दुख दर्दों को लाता है परमेश्वर, आप प्रभु जी उनके जीवन से इन बीमारियों को दूर करें प्रभु, इस दर्द को दूर करें पिता परमेश्वर, और उन्हें प्रभु पूर्णतः चंगाई दे मेरे प्रभु पिता। हर एक बीमारी, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी है पिता, यीशु मसीह आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है प्रभु, क्योंकि आप तो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर है पिता, आपके लिए कोई भी रोग प्रभु बड़ा नहीं है पिता, क्योंकि आपने कहा है प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। सच में मेरे पिता आपके कोड़े खाने से हर एक जो इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु वो चंगा हुआ है, क्योंकि कोड़े प्रभु आपने उनकी बीमारियों के लिए खाए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपने उनकी दुहाइयों को सुना प्रभु, और उनकी दुहाई प्रभु आपके कानों तक पड़ी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें चंगाई और छुटकारा दे दिया है परमेश्वर पिता। पिता हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो अपने फ्यूचर्स की प्लानिंग कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उनकी फ्यूचर की प्लानिंग, चाहे वो घर बनाने के लिए हो प्रभु, चाहे वो मैरिज के लिए हो परमेश्वर, या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है परमेश्वर पिता, या फिर परिवार शुरू करने के लिए प्रभु उनकी प्लानिंग है प्रभु, वो फ्यूचर प्लानिंग में यीशु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, कि आप उसे सक्सेसफुल करें, आप उन्हें बढ़ाएं प्रभु, आप उनकी युक्तियों को पूरा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद, क्योंकि आपके हाथों में
हमारा फ्यूचर सिक्योर है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि आप हमारी दुहाइयों को सुनते हैं पिता। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं परमेश्वर पिता, और प्रति रात प्रति दिन उनके घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है प्रभु, कि दुष्ट उनके जीवन में इन गड़बड़ियों को लाता है प्रभु यीशु। शैतान की उन हर एक युक्तियों को हम नाश करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो हर एक बंधन तोड़ते हैं यीशु के नाम से, वो हर एक कलेश उनके जीवनों से चला जाए यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु आप दया कीजिए उनके ऊपर प्रभु, और पिता उनके सुधी लीजिए प्रभु, आप उनके झगड़ों को लड़ाइयों को उनसे दूर करें प्रभु, अपना प्रेम और शांति मेल मिलाप का आत्मा आप दें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते प्रभु, आप उनकी आंखों को छू लीजिए, आप उनके कानों को छू लीजिए, आप उनकी जीभ को छू लीजिए परमेश्वर, ताकि वो देखने लगे, बोलने लगे और सुनने लगे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है मेरे यीशु। धन्यवाद, आपके नाम से हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु। आज की रात में आप सबको अच्छी नींद दे परमेश्वर, ताकि सुबह उठकर प्रभु वो आपके नाम की महिमा करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, हर एक को पिता हम तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।